हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आई है। ये हलवा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। फ्रेंड्स, ये मैंने ब्रेड का हलवा बनाया है। ये ब्रेड से बना हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड के 4 स्लाइस, चॉप्ड काजू, चॉप्ड बादाम और किशमिश, 1 कटोरी चीनी, इलायची का पाउडर, 1/2 कप मिल्क, 1 ग्लास पानी। अब ब्रेड के किनारों को निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने इसके किनारों को निकाल लिया है। अब इसे 4 पीसेस में कट करते हैं। अब एक पैन ले लीजिए, इसमें हम घी डालेंगे। इसे मेल्ट होने दीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। पहले हम काजू फ्राई करेंगे। देखिए, ये हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बादाम डाल देते हैं। किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब हम ब्रेड के स्लाइसों को फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत जल्दी ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इसे हमें जल्दी जल्दी फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। अब इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देते हैं। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दे दीजिए। हमें इसे सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसे अच्छे से चला लीजिए। अब ब्रेड के स्लाइस डाल देते हैं। हमें ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद गाढ़ा होते तक के पकाइए। देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, बादाम, काजू, किशमिश। हम थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं, गार्निशिंग करते समय ऐड करेंगे।
देखिए अब ये रेडी हो गया है कि प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देते हैं। ये देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।